लोकसभा चुनाव से कुछ टाइम पहले ही विवादित बयान सपा सरकार का आ गया है और जहां अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती के साथ सरकार बनाने की बात करते हैं, वहां उनके पिता सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने सबके साथ मिलकर काम किया है और उनके फिर से प्रधानमंत्री बनने का कामना करते हैं। संसद के आखिरी बजट सत्र के प्रारंभिक संबोधन में यादव ने कहा, हमारी कामना है कि जितने सदस्य इस सदन में हैं, सबके सब एक बार फिर लौटकर आए। उनके इस बयान पर सदस्यों ने भी थपथपाई और खुशी जताई, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी ममता का बयान आया था कि मोदी सरकार साफ या ममता के ऊपर अभी जो सीबीआई की जांच लगी थी, कहीं ये वही डर तो नहीं है जैसे बहन कुमारी मायावती के ऊपर अभी मूर्तियों का विवाद डला। इस तरीके से सीबीआई के जगह जगह पर रेड और छापेमारी की वजह से कहीं मुलायम सिंह यादव ने इस तरीके का स्टेटमेंट तो नहीं दिया है। यादव ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री की भी तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री ने सबके साथ मिलकर काम किया है, सबका साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी को हमारी बधाई है और हमारी कामना है वह फिर से प्रधानमंत्री बने। यादव ने ये भी बातें एक से ज्यादा बार कही और इस दौरान सदस्य में उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कहा। मुलायम सिंह यादव के इतने बड़े बयान के बाद अखिलेश यादव का अभी तक कोई ट्वीट या बयान नहीं आया है। देखते हैं 2019 से पहले और इस तरीके की कितनी रिपोर्टें आएंगी। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।